स्टूडेंट्स क्लास 7 जनरल साइंस। तो बच्चों, आपने अपना यूनिट चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ओपन करें पेज नंबर 54। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है द लार्ज शीट ऑफ आइस आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। इसका आंसर क्या है? ग्लेशियर्स। नंबर 2 देखें, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर। इसका आंसर है प्योरिफिकेशन। नंबर 3 है रिवर्स लैक्स एंड पॉन्ड्स आर द सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर। नंबर 4 देखें, हार्मफुल एंड अनवांटेड सब्सटेंस इन वाटर। इसका आंसर है पॉल्यूटेंट्स। नंबर 5 है टॉक्सिक गैसेस इन द एयर रिएक्ट्स विद द रेन वाटर टू मेक एसिटोन। अब देखते हैं एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज कैन बी कंटेमिनेटेड बाई ए नेचुरल मटेरियल्स बी रन ऑफ प्रॉपर फील्ड्स एंड रोड्स सी फॉरेस्ट डी माउंटेन्स। तो इसका आंसर है बी रन ऑफ प्रॉपर फील्ड्स एंड रोड्स। नंबर 2 देखें, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज वाटर सप्लाई इज अर्थ्स वाटर सप्लाई इज फ्रेश वाटर। ए 3%, बी 5%, सी 10%, डी 15%। इसका आंसर है ए 3%। नंबर 3 है वी कैन गेट अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर ए बाय बॉयलिंग, बी बाय डिस्टिलेशन, सी ट्यूबवेल्स, डी फॉर्म रिवर्स। तो इसका आंसर है बी डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर में समझाया था कि डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया और सॉल्ट्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। अच्छा देखें आगे, नंबर 4 है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सेस यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ए कूलिंग, बी फ्रीजिंग, सी वॉशिंग, डी वेस्टिंग। तो इसका आंसर है ए कूलिंग। नंबर 5 है विच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ए ह्यूमन वेस्ट, बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, सी फर्टिलाइजर, डी रेन वाटर। तो इसका आंसर है डी रेन वाटर। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।